अगर आपके दिल से आवाज आ गई तो मैं क्या, मेरे ऐसे 36 लोग गए साइड में, सब बेकार है। तो अगर अंदर से आवाज आ रही है ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आज मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं आपको बोलता हूं कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अपने अंदर से बस यहां पे पकड़ के ले जाओ कि नहीं मैं करूंगा 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 करूंगा, कैसे करूंगा पता नहीं, कब करूंगा पता नहीं, लेकिन अगर चलता रहा ना मैं करूंगा करूंगा करूंगा, मेरे से लिखवा करके रख लो, आप कर जाओगे। आप भी यही बैठे हो, मैं भी यही बैठा हूं, कर जाओगे कुछ टाइम के अंदर। बस टाइम का फर्क है मेरे में और आप में, और कोई फर्क नहीं है। अगर अंदर विश्वास नहीं है तो जितने मर्जी मेरे सेमिनार देख लो, जितने मर्जी ऐसे ऐसे ऐसी ऐसे सेशंस में आ जाओ, सब एक हॉलीडे है, पिकनिक है, टाइम पास है, कुछ नहीं है, आओगे करके चले जाओगे। बट अगर अंदर से है यहां पर कि नहीं मैं कुछ ना कुछ, अगर नहीं पता ना कि मैं क्या करूंगा, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं यार मुझे भी नहीं पता था, बस इतना सा होना चाहिए अपने ऊपर भरोसा कि मैं कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगा, इतना ही बहुत है, मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा अपनी लाइफ के साथ में, इतना मुझे भरोसा है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, दुनिया मुझे कुछ भी बोलती रहे, ये संदीप महेश्वरी कुछ भी बोलता रहे, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। खुद भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को, दिमाग भी नहीं रोक पाएगा। जैसे ट्रेन है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ट्रेन है चल रही है धीरे 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 आगे बढ़ रही है, उसके सामने आप ले जा करके कुछ बड़े बड़े पत्थर रख दो, क्या होगा? नहीं, अगर धीरे चल रही है, ये भी 20-30 की स्पीड पे बड़े बड़े पत्थर रख दो, क्या होगा? डूब जाएगी। मगर एक ट्रेन 200 की स्पीड पे चल रही है और उसके सामने एक दीवार भी खड़ी कर दो इतनी मोटी, क्या होगा? अरे तोड़ती हुई निकल जाएगी और फिर भी नहीं रुकेगी। इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो राइट नाउ आई एम इन दैट मोमेंटम स्टेज, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, चाहे वो कोई क्रिकेटर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई म्यूजिशियन है, एक बार मोमेंटम बन जाए, फॉर एग्जाम्पल एयर रहमान में और आप में क्या फर्क है? उसकी स्पीड 200 की चल रही है, मुश्किलें उसके उसके भी सामने आती है, आपके सामने पत्थर आते हैं, उसके सामने तो दीवारें खड़ी हुई है, वो लेकिन तोड़ता हुआ निकल जाता है, मेरे सामने भी आती है, मैं तोड़ता हुआ निकल जाता हूँ। पर जो शुरुआत है वो कर लिया और वो होगी, वो एक बार शुरुआत हो जाए ना, और शुरुआत में जैसे ही आपका दिमाग बार बार आकर के वो पत्थर सामने रखेगा, तब आकर के बड़े शांति से आपने अपने दिल की सुनी, दिल से आगे निकलना, दिल से आगे। ऐसा कोई भी आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है, क्या कोई और तरीका है कामयाब होने का? बिना अपने पे भरोसे के, बिना विश्वास के, क्या कोई कामयाब हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्या सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं है क्या इंडिया में? नहीं है। उससे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं है? उससे बेटर टेक्निक वाले लोग नहीं है? नहीं है। क्या फर्क है उसमें और बाकी सब में? वो मानता था कि मैं कर जाऊंगा, जहां दूसरी तरफ कोई बंदा अपने आप को देख करके बोलेगा, उसकी हाइट है 5'8" और देख करके बोलेगा यार मेरी हाइट 5'8" है और क्रिस गेल की सपोज 6.5 feet, इसलिए मैं ऐसा छक्का नहीं मार सकता। तेंदुलकर कहेगा मेरी हाइट कम है इसलिए मैं मार सकता हूँ। नहीं, तो वो जो आदमी जो जिसको अपने ऊपर भरोसा है, जिसको अपने ऊपर विश्वास है, वो अपनी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ बना करके आगे ले आएगा, और जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिसको बिलीव नहीं है, वो अपनी स्ट्रेंथ को भी वीकनेसेस बना देगा।